पनीर मसाला ढाबा और रेस्टोरेंट में जाने जाके खाना भूल जाएंगे। इतना स्वादिष्ट पनीर मसाला आप आसानी से घर में बना सकते हैं, वो भी कम चीज़ों में बनके तैयार होने वाला यह पनीर मसाला एक बार ज़रूर बनाइए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है 2 चम्मच भर के तेल की, और इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाला है। और घी और तेल गर्म होने के बाद खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें जीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिरी, हरी इलायची, तेजपत्ता, स्टार फूल, ये सब है तो आप वो डाल दीजिए। और एकदम लो फ्लेम पे हमें इन्हें भूनना है। साथ ही में 2 डालेंगे हरी मिर्च। अभी तीखा कितना चाहिए उस हिसाब से आप हरी मिर्च का भी प्रमाण कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पूरा कच्चापन जाने तक भूनेंगे। साथ ही में 3 प्याज की मैंने यहाँ पे पेस्ट करके डाली है। आपको चाहिए तो आप एकदम फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट करने से क्या होता है ग्रेवी एकदम अच्छी फाइन बनती है, तो इसके लिए मैंने पेस्ट करके डाला है। और प्याज को हमें एकदम अच्छे से भूनना है, उसका पूरा कच्चापन जाने तक ये भूनना है। अभी साथ ही में डालेंगे 3 बड़े टमाटर की पेस्ट। यहाँ पे टमाटर भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से पेस्ट करके पनीर मसाला बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ग्रेवी जो है एकदम स्मूथ क्रीमी बनती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फाइन एकदम पेस्ट करके डाली है। साथ ही भी इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाते हैं लो फ्लेम पर। बस 2 मिनट ही पकाना है। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से भुनी है कि नहीं। तो जो ग्रेवी हमारी है अच्छे से भून चुकी है, एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसे भुना है 2 मिनट के लिए। जितना आप ग्रेवी को अच्छे से भुनेंगे उतनी ही आपकी सब्जी जो है स्वादिष्ट बनेगी। इसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल बना कीजिए। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है, साथ ही में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर यानी 2 छोटे चम्मच, और अच्छी तरह से भून लेंगे। और इनको मसालों का भी पूरा कच्चापन जाने तक हमें भूनना है। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम एकदम लो पे ही रखना है, मसाले जले नहीं। लो फ्लेम पे हमें इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया है। अभी इसमें 1/2 कप फ्रेश दही ऐड करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेश दही ऐड करना है। और दही डाल के भी अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स, एकदम जो टेस्टी ग्रेवी हमारी बनने वाली है। ढाबा और रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह से ही बनाते हैं, तो आप भी घर में ही बनाइए। हमेशा बार बार बाहर जाना पड़ता नहीं है, तो घर में ही बना सकते हैं आप एकदम ज़बरदस्त ढाबा वाला पनीर रेसिपी, पनीर मसाला। 2 मिनट ढक के पकाने के बाद ग्रेवी देखिए कितनी अच्छे से भुनी है, ऑयल भी अच्छे से छूटा है, कलर भी ज़बरदस्त आ गया है। तो ग्रेवी भूनते हुए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी और पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए, और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी यहाँ पे पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसके बड़े बड़े चौकोर पीसेस मैंने कट किए हैं। और यहाँ पे पनीर को मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं भुना है, डायरेक्ट ही डाला है, इससे एकदम पनीर सॉफ्ट बनता है। तो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और इसे वापस से ढक के 5 मिनट के लिए पकाते हैं। गैस का फ्लेम लो पे ही रखेंगे, और लो फ्लेम पे हमें इसे 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं ग्रेवी हमारे अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। अच्छे से कलर भी आया है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हुआ है, और बहुत ही अच्छी लग रही है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि ये ग्रेवी ठंडी होने के बाद वापस से बहुत गाढ़ी हो जाती है। अभी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो 1 छोटा चम्मच भर के कसूरी मेथी हाथों में क्रश करके ऐसे डालिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच, छोटे 1/2 चम्मच। ग्रेवी तैयार हो जाने के बाद ही इसमें गरम मसाले ऐड कीजिए, ताकि उसका फ्लेवर है ना वो सब्जी ख़त्म होने तक ऐड रहता है।
और एक दो छोटे चम्मच भर के मैंने यहाँ पे बटर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। ढाबा और रेस्टोरेंट में बटर मसाले का बटर में बहुत ही अच्छी लगती है पनीर की सब्ज़ी, तो बटर ज़रूर डालिए, इससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है, एकदम ढाबा और रेस्टोरेंट वाला स्वाद आपको घर में आएगा। तो बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही आसानी से बना सकते हैं, वही टेस्ट वही स्वाद। और 2 मिनट वापस से ढक के पकाएंगे हम लोग इसे, ताकि जो बटर और मसाले डाले हैं गरम मसाला वगैरह उसका स्वाद जो है पूरा पनीर में उतरे। तो ये हमारी हो गई है ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे पनीर मसाला घर में ही तैयार, रोटी या नान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त टेस्टी पनीर मसाला इसे खाने के बाद, गारंटी के साथ कहती हूँ बाहर जाके खाना भूल जाएंगे, इतने स्वादिष्ट पनीर मसाला घर में बना सकते हैं, वो भी कम खर्चे में तैयार होने वाला ये पनीर मसाला। आप ज़रूर एक बार बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।